students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So to continue with the previous topic that was types of solutions, आज हम बात करेंगे solubility के बारे में, ठीक है? तो उसमें से हम जो हमारा concept था liquid solvent वाला, हम उसके साथ आज deal करेंगे. तो solubility of solids and gases in liquids means those solutions in which सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड इज यूज्ड. अब सॉल्युबिलिटी क्या है? अगर आप जनरल टर्म में बात करें तो इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्वड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. तो इट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्वड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. तो इसमें दोनों चीजें आ गई, सब्सटेंस के अंदर सॉलिड भी है और गैस भी है. इट्स अ जर्नलाइज्ड टर्म. अब मैंने दोनों की बात की, सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड्स. तो अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इट इज हैविंग, कौन से वाला कंसेप्ट लग रहा है यहां पे, मोलल, मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मास है, इट विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर. हम मोलैलिटी नहीं ले रहे हैं. 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ दिस इज अ न्यू टर्म, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मैं इसके बारे में अभी बात करती हूं. और दूसरी साइड अगर हम देखें, गैसेज इन लिक्विड्स, आपने गैस इन लिक्विड कहां पे देखी होती है, कहां पे उसको फील किया होता है, योर सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, फेंटा, लिमका, तो उसको जैसे आप ढक्कन हटाते हो तो अंदर से CO2 बाहर को निकलती है, वो अंडर प्रेशर भरी होती है. तो दैट CO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड दैट फॉर्म्स कार्बोनेटेड वाटर. ठीक है, उसको कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दैट इज डिसॉल्व्ड इन Dissolved in water. तो अब गैस की जो solubility है उसको कैसे करेंगे? Volume of gas in centimeter cube that can dissolve in a fixed volume of liquid to form a saturated solution at a given temperature. Temperature change होगा तो solubility change हो जाती है. ठीक है, पानी जितना ठंडा होगा, cold drink जितनी ठंडी होगी, उसका वो जो burning taste रहता है carbonated water का, वो उतना ज्यादा होगा. अगर आप उसको धूप में रख दें, कोई भी गर्म पीता है क्या इसको? इसको बोलते ही कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि जितना टेम्परेचर डाउन होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ज्यादा होगी और उसका टेस्ट उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, अब सैचुरेटेड दोनों तरफ आ गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? टू सिंपल, गर्मी का मौसम है और आप लोग नींबू पानी बना रहे होंगे सभी. आप लोग एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी घोलिए, घुल जाएगी. फिर एक और चम्मच डालिए, वो भी घुल जाएगी. जब आप दो के बाद तीसरा या चौथा चम्मच डालेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी, अब आप चम्मच से जितना मर्जी घोल लीजिए, चाहे उसको ओवरनाइट पड़ा रहने दें, नीचे गिलास की बॉटम पे आपको चीनी के पार्टिकल्स दिखाई देते ही रहेंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब हम जो सॉल्यूट है वो और ज्यादा ना घोल पाए तो दैट बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक हम कितना अमाउंट डालें 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. और कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व हो सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए लिक्विड के अंदर गैस का, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. ओके, अब देखें जरा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने के लिए अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब दोनों की नेचर की बात करेंगे. ये एक बड़ा कॉमन से रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक. जो जैसा है वो वैसे में घुल जाएगा, है ना? आप में से जो शरारती बच्चा होता है वो शरारती बच्चे के साथ ही दोस्ती करता है. तो लाइक डिसॉल्व लाइक,
जिनकी नेचर्स मिलती हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. मतलब सोडियम क्लोराइड इट डिजॉल्व्स इन वाटर. क्यों? सोडियम क्लोराइड क्या है? पोलर आयोनिक. वाटर भी क्या है? पोलर सॉल्वेंट. ये दोनों आपस में आसानी से घुल जाएंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइक डिजॉल्व लाइक. ओके, अब आप लोग अपने अपने घर में करके देख लीजिए. एक हाफ गिलास पानी ले लीजिए और उसमें आप नमक डालिए, वो घुल जाएगा. और उसी तरीके से आप सोडियम क्लोराइड को जरा, जो आपके घर में सरसों का ऑयल है, सरसों ऑयल लेना 2 चम्मच और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना. आप कोशिश कर लेना इसको घोलने की. तेल के अंदर नमक नहीं घुलेगा. रीजन, ये जो सरसों ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, इट इज नॉन पोलर. ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज नॉन पोलर. एंड सोडियम क्लोराइड क्या है? पोलर. तो ये नॉन पोलर के अंदर नहीं घुलेगा. ठीक है, तो ये शरारती है, ये भी शरारती है, दोनों मिक्स हो जाएंगे. अब ये तो है ही शरारती, लेकिन ये बंदा जरा शरीफ है, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक. तो दोनों की नेचर देखनी पड़ेगी. तो इन जनरल जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व करेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व करेगा. ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ये हमने इसके अंदर बात की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सिंपल सी बात. अब मैंने आपको बोला कि आप 4 चम्मच पानी में चीनी घोल दीजिए, उसके बाद चीनी नीचे सेटल हो रही है. ओके, अब उसको जरा गर्म कर दो, चीनी घुल जाएगी. आप 1 गिलास भर के चीनी डालेंगे किसी कंटेनर में और उसमें 2 चम्मच भी पानी डाल देंगे तो भी चीनी डिजॉल्व हो जाती है. क्यों? इफेक्ट किसका पड़ रहा है उसमें? टेम्परेचर का. वहां पे टेम्परेचर इज द मेन कैरियर फॉर द डिसोल्यूशन. सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर रहा है टेम्परेचर. तो इन जनरल सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब देखिए जरा प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा. देखिए, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल. तो सॉलिड आपने उसमें घोल दिया, आप ऊपर से कितना सा प्रेशर लगा सकते हो? तो दीज आर लेस कंप्रेसिबल, देयरफॉर प्रेशर डजंट हैव मच इंपैक्ट. प्रेशर का इतना ज्यादा इंपैक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट वहां पड़ेगा जहां प्रेशर लगाने से वो चीज कंप्रेस हो रही होगी. तो आपने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स ये नेचर पे डिपेंड कर रही है, लाइक डिजॉल्व लाइक. पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सबके घर में चाशनी बनती सबने जरूर देखी होगी. तो आप बहुत ज्यादा चीनी में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे तब भी वो डिजॉल्व हो जाती है. मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एज लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल सो प्रेशर डजंट हैव मच इंपैक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स ऑन लिक्विड्स. जैसे हमने इधर किए ना फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, उसी तरीके से अब हम इधर देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड को अफेक्ट करेंगे? तो तीन इधर किए, तीन ही इधर हैं, सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. अगेन अगर पोलर गैस है इट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और अगर वो नॉन पोलर है इट विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. मीन्स अगेन देर विल बी लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट. अब देखिए हाइड्रोजन,
oxygen, nitrogen. These are less soluble in water. ये पानी में इतनी ज्यादा नहीं घुलती हैं. As compared to, अब देखिए अमोनिया एकदम से पानी में घुल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है. HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड पानी से रिएक्ट करते ही और ये बना देता है नाइट्रिक एसिड. HCl भी एकदम से पानी में घुल जाता है, ठीक. और वेपर्स है ये, लिक्विड की बात नहीं कर रही हूं. दीज आर ऑल गैसेस. अमोनिया पानी में जाते ही इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो दीज आर हाईली हाईली सॉल्युबल इन वॉटर. तो ये नॉन पोलर हैं और ये क्या हैं? पोलर. दीज आर नॉन पोलर गैसेस, तो दे आर लेस सॉल्युबल इन वॉटर क्योंकि वॉटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट. तो इस तरीके से नेचर दोनों की देखी जाएगी. नाउ सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. आप लोग कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो, जितनी ठंडी होती है उतनी ज्यादा कार्बोनिक एसिड की क्वांटिटी उसमें ज्यादा रहती है, CO2 ज्यादा डिजोल्व रहती है. और उसको जरा गर्म कर दो, सारी की सारी गैस निकल जाएगी और उसका टेस्ट बिल्कुल ही खराब हो जाएगा. तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी उसमें घट जाएगी, राइट. नाउ थर्ड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो मैं जर्नलाइज यहां करूंगी और फिर इसको एक्सप्लेन करती हूं. तो इन जर्नल, अब देखो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है. देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर. किस तरीके से, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूं आपको. अब देखो ये हमने बात करी सिंपल सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. तो आपने दोनों के फैक्टर्स देख लिए, दोनों के फैक्टर किस तरीके से इनको इम्पैक्ट करते हैं. और अभी हम बात करेंगे स्पेशली इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में. पेपर के अंदर अगर सिर्फ फैक्टर्स पूछे जाते हैं, आपने जस्ट ऐसे लिखना है कि इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ठीक है. अगर प्योरली प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बात आती है, देन वी हैव टू फॉलो अ लॉ, दैट इज हेनरीज लॉ. वो उसका क्वेश्चन अलग से आता है, ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, मैंने आपको बताया था इस फैक्टर को हम एक अलग लॉ के साथ स्टडी करेंगे, एंड दैट इज हेनरीज लॉ, क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड व्हाट इट स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस, ओके, मास ले लिया हमने m, मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन. गैस का कितना मास लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड. तो इसको अगर मैं हटाऊं, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज के एच इंटू पी, वेयर के एच जो है दिस इज कॉल्ड हेनरीज कॉन्स्टेंट. अब देखिए ये है सिचुएशन वन, फर्स्ट केस, एंड दिस इज सेकेंड सिचुएशन. ये हमने एक कंटेनर लिया, ये उसमें लिक्विड है और ये जो मैंने एरोज बनाए हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, तो दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स. यही लिक्विड कन्वर्ट हो गया है, ये लिक्विड है और इसके अंदर हम गैस को डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो लेट इट बी कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो लिक्विड है दैट इज वाटर. ये हमने फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगाया है. तो अभी आप देख रहे हो इतनी जगह खाली है, यहां पे ये वॉल्यूम है, खाली खाली जगह है, नीचे लिक्विड है, वाटर है और CO2 इस एरिया में है, ओके. तो मैंने सिर्फ दो मॉलिक्यूल बनाए हैं यहां पे क्योंकि जगह काफी खाली है. तो ऊपर टोटल 10 मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हो, टू हैं अंदर, तो टोटल 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने ये लिए हैं. दो मॉलिक्यूल अंदर नजर आ रहे हैं और बाकी इस एरिया में, ओके. तो अब ये सेकेंड सिचुएशन, ये था
इसका वॉल्यूम वी वन, अब देखिए वॉल्यूम कितना रह गया, वी टू, और आप देख पा रहे हैं वी टू इज लेस देन वी वन. और आपको पता है जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम. तो अब देखो यहां पे एक मॉलिक्यूल, दो, तीन, चार, अब अंदर मॉलिक्यूल्स की चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस. तो इधर 12 लिए थे हमने, 10 हो गए, 11, 12. तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो अब आप देखिए ये है CO2 इन एम्प्टी स्पेस और ये है CO2 इन वाटर. तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाया CO2 के मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, जैसे पिस्टन नीचे को आएगा नेचुरली ये वाटर के अंदर जाएंगे. तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं आप लोग लेते हो, कोक है, पेप्सी है, लिमका है, फेंटा है, वो सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं. अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इस पानी में घोली जाती है और जो भी डिजायर्ड उसका टेस्ट रहता है कि कोक वाला टेस्ट डाला है या उसका ऑरेंज वाला डाला है तो या लाइम वाला डाला है तो वही उसके फ्लेवर के साथ ये बन जाती है. तो जितना ज्यादा प्रेशर सोलुबिलिटी उतनी ही ज्यादा. तो क्योंकि हाई प्रेशर से भरा होता है तो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन खोलते हो वो बिल्कुल फिज की साउंड करके बाहर को गैस निकलनी शुरू हो जाती है और तब तक निकलती रहेगी जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर अब प्रेशर हमने इतना बढ़ा दिया, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक बाहर से अंदर आने वाले मॉलिक्यूल और अंदर से बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल दोनों बराबर नहीं हो जाते, मतलब डिसोल्यूशन और उसके जो मॉलिक्यूल है वापस रिलीज होके इस एम्प्टी स्पेस में आने शुरू नहीं हो जाते. मींस अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल अंदर डिसॉल्व हो रहे होंगे. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही बराबर हो जाएंगी. तो ये था हेनरीज लॉ दैट मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन हो गया तो जितना प्रेशर होगा गैस की डिसोल्यूशन उसके अंदर उतनी ही ज्यादा होगी. तो ये था हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ अगर हम डॉल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ देखें, नाउ आपने डॉल्टन्स पार्शियल लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है प्लस वन के अंदर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है मोल फ्रैक्शन, आप एक्स से नोट करते हो, दिस इज मोल फ्रैक्शन of gas is directly proportional to partial pressure of the gas in vapor phase. कि उसका जितना partial pressure होगा, dissolved gas की mole fraction उतनी ही liquid के अंदर ज्यादा होगी. तो x will be equal to kT. ठीक है, k हमने पहले लिया है तो let it be k dash. तो p किसके बराबर आया, 1 upon k dash into x. तो 1 अपॉन k डैश इज अगेन इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, मींस p विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, राइट. तो यहां से अब मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में एक रिलेशन आ जाता है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्वड इन द सॉल्यूशन. तो इधर KH जो है इट इज अगेन हेनरीज कांस्टेंट और मैंने आपको बताया जो KH है हेनरी कांस्टेंट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. ये इसकी स्पेशलिटी है, ये टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो जाता है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द लिक्विड. आप इसको यहां से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. अभी आपने उसको अच्छे से डिराइव किया, पढ़ा उसके बारे में.
हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन फर्स्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस. मैंने आपको एग्जांपल ही CO2 का दिया, डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर. तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, उसमें क्या रहता है, CO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर हाई प्रेशर. बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसको उसमें डिसॉल्व किया होता है. तो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन हम खोलते हैं, CO2 उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर जो है वो प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है. जैसे मैं कोशिश करती हूं, अगर मेरे से बॉटल बनती है तो ठीक है, तो ये अंदर कोल्ड ड्रिंक है और यहां थोड़ी सी जगह आपने देखा होगा बॉटल में खाली रखी होती है. तो यहां पे CO2 गैस और इसके अंदर भी CO2 गैस डिसॉल्व, और बाहर कौन सा प्रेशर लग रहा है, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जैसे ही ढक्कन खुलेगा, बाहर का प्रेशर है लो, अंदर का प्रेशर है हाई, तो अंदर से CO2 बाहर आनी शुरू होगी, तो फिज की साउंड आती है. एंड दिस फिज साउंड इज नोन एज एफर्वेसेंस. और ये एफर्वेसेंस आप लोगों ने देखी हुई है, हमने प्रैक्टिकल किया था. साउंड भी आती है और जो गैस है अंदर से बबल्स की फॉर्म में ऊपर को साउंड के साथ बाहर निकलनी शुरू हो जाती है. तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो CO2 इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और जैसे ही प्रेशर घटाते हैं तो CO2 की जो क्वांटिटी है इसके अंदर कम रह जाती है. क्योंकि जब आप बार बार बॉटल खोलते हो तो आप देखते हो कि एवरी टाइम उसके टेस्ट में चेंज आना शुरू हो जाता है, टेस्ट उसका चेंज हो जाता है. ठीक है, अब सेकेंड एप्लीकेशन देखें, स्कूबा डाइविंग. आप लोगों ने खुद नहीं की होगी, बट टीवी के ऊपर, डिस्कवरी चैनल के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं स्कूबा डाइविंग के ऊपर. तो नहीं देखी है तो आप स्कूबा डाइविंग जरूर देखें. उसके ऊपर चैनल के ऊपर नहीं देख पाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जरूर देखें. अब उसमें क्या होता है, डीप सी डाइवर्स, समंदर के अंदर जो भी डाइवर्स हैं वो गोताखोरी के लिए उतरते हैं. ठीक है, उनके कंधे पर एक सिलेंडर रहता है, जो आपने I'm sure आपने देखा होगा. सिलेंडर के अंदर देयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, कहने को हम बोल देते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, बट दैट इज नॉट ऑक्सीजन सिलेंडर. तो दीज आर हाईली कंप्रेस्ड गैसेस. इन गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भरा जाता है. कंप्रेस इसलिए किया जाता है सो दैट ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उस सिलेंडर के अंदर भरी जा सके, और जो डाइवर है, स्कूबा डाइवर है, वो काफी समय तक अंडरसी रह सके, डीप इन द सी वो रह सके. क्योंकि अगर सिलेंडर को हम कंप्रेस्ड एयर से नहीं भरेंगे ना, तो कम एयर जाएगी उसके अंदर, तो जितना कंप्रेशन ज्यादा उतनी ही गैस की क्वांटिटी भी उसमें ज्यादा होगी. ओके, अब देखो, डीप सी के अंदर प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है. अब डाइवर समंदर के पानी के अंदर है और वो इस एयर में सांस ले रहा है, तो इसका मतलब उसके ब्लड के अंदर कौन कौन चला गया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नॉर्मली अंडर नॉर्मल टेम्परेचर, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, सोल्युबिलिटी इज लेस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंडर नॉर्मल प्रेशर सोल्युबिलिटी कम है. लेकिन डीप सी के अंदर प्रेशर क्या है, हाई. तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है इंक्रीजेस इन डीप सी. डीप सी के अंदर इस दोनों कंपोनेंट्स की डिसोल्यूशन सोल्युबिलिटी ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन डीप सी. ओके, अब उसने सरफेस के ऊपर भी तो वापस आना है. जैसे ही वो स्कूबा डाइवर सरफेस के ऊपर आता है, अब सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि क्या है, लो.
डीप सी के अंदर जो प्रेशर था दैट इज वेरी वेरी हाई, और ऊपर जब वो आता है तो एटमोस्फेयर प्रेशर जो है दैट इज वेरी वेरी लो. अब बाहर का प्रेशर लो और उसकी बॉडी के अंदर का प्रेशर हाई, व्हाट विल हैपन? ये जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है दे कम आउट ऑफ ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ये बबल आउट करता है, जैसे उधर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में हो रहा था सेम चीज ब्लड के अंदर होती है, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर की वजह से ये दोनों गैसेस डिसॉल्व हो चुकी हैं. जैसे ही डाइवर ऊपर आता है सी के सरफेस पे आता है, प्रेशर डाउन, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो उसके अंदर से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कम आउट ऑफ ब्लड. अच्छा, उसमें से ऑक्सीजन तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, तो दैट इज मेनली नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, और अब वो ब्लड से अलग होकर बाहर आना शुरू करेगी, क्योंकि नाइट्रोजन को हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी. ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा बट नाइट्रोजन नहीं होगा. एंड दिस सिचुएशन जिसमें ये जो नाइट्रोजन बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, इट इज कॉल्ड बेंड्स. इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंड्स, एंड इट इज टू मच पेनफुल. ये बहुत ही पेनफुल होता है. समटाइम्स जो कैपिलरीज हैं, ब्लड की कैपिलरीज जो है वो बर्स्ट कर जाती है, दे कैन बर्स्ट. तो इतनी हार्मफुल सिचुएशन रहती है, तो जो स्कूबा डाइविंग है दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डाइवर्स. अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, अब ये है किसकी वजह से? अगेन हेनरीज लॉ, हाई प्रेशर के अंदर सोलिबिलिटी ज्यादा, लो प्रेशर के अंदर सोलिबिलिटी कम. तो इस पेनफुल सिचुएशन को बोलते हैं बेंड्स. नाउअडेज दिस इज द कंपोजिशन जो आजकल यूज किया जाता है बाय द डीप सी डाइवर्स. अब इन एडिशन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वी आर यूजिंग 11.7% हीलियम. उस सिलेंडर के अंदर हीलियम है, इसका मतलब बाहर आने वाली गैसेस में कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी. हीलियम का साइज है स्मॉल, तो उस वजह से ये ब्लड कैपिलरीज में से बड़े आराम से एस्केप कर जाती है, एस्केप्स इजीली विदाउट एनी हार्म. तो इसलिए ये मॉडिफिकेशन किया गया है. अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर डाइवर्स को दिए जाते हैं दैट आल्सो कंटेन्स हीलियम. तो ये थी स्कूबा डाइविंग के अंदर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन. अब देखें इसका थर्ड एप्लीकेशन एट हाई अल्टीट्यूड्स. आप सभी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पहाड़ों के ऊपर जाने का मौका आपको मिलता रहता है, और आप ये भी जानते हैं कि जितना आप अल्टीट्यूड पे ऊपर चले जाते हैं, आप जोत पे जाते हो, आप नागमंत्रू जाते हो, तो वहां पे क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है. लो होगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? लेस. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस होगा तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है टू ब्रेन इज ऑल्सो लेस, वो भी कम हो जाती है. जब ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा? एक क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, या उसके कुछ बात करने को जो भी वो सोचता है, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज बहुत कम रह जाती है. एंड ये जो स्टारवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, दिस सिचुएशन इज नोन एज एनोक्सिया. इस सिचुएशन को बोलते हैं एनोक्सिया. अब क्या था? पार्शियल प्रेशर कम, तो ब्लड के साथ कंपैटिबिलिटी भी एयर की कम, ऑक्सीजन की कम, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? एनोक्सिया मींस क्लैरिटी ऑफ आइडिया, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी. अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन का फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन. तो जितनी सप्लाई वहां पे कम जाएगी तो जो हमारी सोचने समझने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है. एंड दैट सिचुएशन विच इज क्रिएटेड ड्यू टू स्टारवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज नोन एज एनोक्सिया. तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन इसकी. अब देखें इन द फंक्शन ऑफ लंग्स. सबसे ज्यादा फंक्शन यहाँ पे लंग्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम स्कूबा डाइविंग की बात करें या हम हाई अल्टीट्यूड्स की बात करें,
क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अल्टीमेटली कहाँ पे हो रहा है, लंग्स के अंदर। अब जैसे डीप सी डाइविंग की हम बात कर रहे हैं, वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर तो डिसोल्यूशन ज्यादा, मींस लंग्स के अंदर उसकी असिमिलेशन ज्यादा, और जब प्रेशर है लो तो डिसोल्यूशन क्या है, लेस। तो लंग्स के अंदर उसकी जो क्वांटिटी है वो भी क्या है, लेस। तो इस तरीके से ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा डिसोल्यूशन, कम प्रेशर होगा तो कम। अब हेनरीज लॉ की एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपने देखा होगा कि जो वाटर है सरफेस के ऊपर हॉट रहता है, ठीक है, सरफेस वाटर इज हॉटर देन बॉटम। जो बॉटम के ऊपर वाटर है दैट इज कूलर, और सरफेस वाटर क्या रहता है, हॉटर। और यही रीजन है जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स स्टिक टू द बॉटम, ये बॉटम के ऊपर रहते हैं ज्यादा। आपने देखा होगा ये बॉटम के साथ साथ रहते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये सरवाइव नहीं कर पाते। टेम्परेचर हाई होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है ना। तो दूसरा, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन विंटर एज कंपेयर टू समर्स। समर से ज्यादा ये लोग विंटर में कंफर्टेबल रहते हैं। रीजन अगेन, टेम्परेचर अगर लो है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मोर होगी, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ठंडे पानी के अंदर एयर की, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी और वार्म वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। और एक ही वाटर सरफेस के अंदर, एक ही वाटर बॉडी के अंदर जो ऊपर का सरफेस है दैट इज ऑलवेज हॉटर, और जो बॉटम है दैट इज ऑलवेज कूलर। तो एक्वाटिक एनिमल्स जो है इसीलिए बॉटम के साथ साथ चलते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर लाइफ। तो ये थी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस, जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सराउंडिंग में यूज होती रहती हैं। चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाहे आप डीप सी डाइविंग कर रहे हैं, लंग्स का फंक्शन तो एवरी टाइम इट इज गोइंग ऑन। तो नेचर के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ जो है, नेचर जो है वो खुद को एडजस्ट करना जानती है। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो भी सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग टॉपिक। थैंक यू।